नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, और पूछने का हक भी है विपक्ष को। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसने चलन कहा कि सितंबर के बाद बंद हो जाएगा, उसे दो कारण बड़े विशेष बताए हैं 2000 के नोट का चलन का कारण बंद करने का। पहला तो ये कि प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है 2000 का नोट। जब 17-18 के पास का वो जो आंकड़ा दे रहा है वो 37 दशमलव कुछ का है कि इतने लाख जी फीसदी वोट, जो टोटल वोट है, टोटल नोट है उसका 37% से ज्यादा हिस्सा इसका था। लेकिन अब मौजूदा 31 मार्च 2023 में जो है वो जो हिस्सा रह गया वो लगभग 3% से कुछ ज्यादा चलन में है जी। तो ये जो चलन में नहीं रहा, प्रचलन में नहीं रहा, इसलिए इस नोट को बंद करना उन्होंने मुनासिब समझा कि इसको वापस ले लें जी। प्रतीक जी मैं पूछता हूं, क्या नोटबंदी के बाद में क्या पत्थरबाजी बंद नहीं हुई? बताइए कितने पत्थरबाज हुए? क्या अलगाववादी जो घटनाएं थी वो बंद नहीं हुई? क्या आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं हुई? बंद हुई है, डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी ने बंद करके दिखाया है। और मैं पूछता हूं, ये तुगलकी फरमान की बात करते हैं, 2013 के अंदर ये क्या तरीका है, 2013-14 के अंदर इन्होंने भी तुगलकी एक फरमान सुनाया था, आरबीआई ने कहा था कि 500-500 के नोट जो 5 साल पुराने हो गए उनको वापस लेने का काम किया था। उस समय किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं प्रतीक जी, समस्या क्या है, पेट में दर्द किसको हो रहा है, जिनके काले धन दबे हुए हैं। देखिए मैं पूछ रहा हूँ, आपने सो रखा है डिमोनेटाइजेशन का, युवाओं की नौकरी की बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात है, आप बताओ क्या भ्रष्टाचार बंद हुआ? भ्रष्टाचार बंद हुआ? भ्रष्टाचार बंद हुआ? भ्रष्टाचार बंद हुआ? नहीं हुआ। आप फिर देखो काले धन आए नहीं आए? अरे आप बताओ ना क्या है? फिर देखो, अरे भाई काले धन आए कहाँ से आना हुआ? इंदौर। इंदौर में सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो कैसे आना हुआ यहाँ? बस यहाँ काम था उस रिगार्डिंग। तो ये काम है, देखिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं और आप यहाँ देख रहे हैं, काम हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, वाह वाह क्या बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं फाउंडर हूँ स्टार्टअप का, युवा। युवा जी, और इस देश का युवा आप सबसे यही कह रहे हैं कि वी ऑलवेज फाइट अबाउट हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजें, और सब लोग ये भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है कुछ भी, बट देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमने ये देखा है ग्राउंड लेवल से, और इट जस्ट लाइक कि किसी को स्टार्ट करना होता है, तो वी ऑल्सो स्टार्टेड और इट्स गोइंग वेल। आपका स्टार्टअप बढ़िया कर रहा है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा करे। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हैं, तलाशने की जरूरत है। जी बोलिए। मैं पुणे से हूँ। पुणे से आ जाए जी, बहुत अच्छी, बहुत स्वागत है। एक जना इंदौर से है, एक जना पुणे से, एक जना बीच में चंडीगढ़ से है जी। गुजरात से, उनको आपको कैसे माइनस कर सकते हैं? वो तो आना ही पड़ेगा आपके पास, है ना? आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं गुजराती बहुत बहुत मीठे हैं आप, नहीं आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा जी। सर जो घरों में नोटों की थप्पियां लगा रहे हैं उनके लिए तो ये जरूरी था, जो जो नोटों की गड्डियां लगा रहे हैं, ये 2000 का जो उन्होंने चलन वापस लिया। हाँ, ये लोग टैक्स नहीं भरते, मैं खुद जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आप जीएसटी? ओ क्या बात है, बोले मैं खुद जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, और जो लोग नोट की गड्डियां, कुछ एमएसएमई के जो है मिडिल सेक्शन वाले, उनको कुछ परेशानी उन्होंने बताया, एमएसएमई सेक्टर कुछ थोड़ा सा परेशान है, कुछ जो व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा सा परेशान है, जो 2000 रुपए लोगों के बाजार में गया है उसको डर लग रहा है कि चलेगा नहीं चलेगा, लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर रोज रोज नज्म नहीं सुनाई जाती। और एक चीज और बताएं, मेरे कविता लिख के लाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर नोटबंदी की जो भी पीड़ा लोगों में ना, नोटबंदी का वही व्यक्ति कविता है तो सुनाइए, भूमिका ना बांधिए, इसका काम, इसका बहुत अच्छा पैसा मिलता मुझे इसके लिए। 2000 की नोटबंदी करके मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों की बैंड बजा दी है, 2000 की नोटबंदी करके मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों की बैंड बजा दी है, या यूं कहिए जो देश के लुटेरे थे उनकी मोदी जी ने अर्थी सजा दी है। ये है, ये सर बहुत बड़ी बात है। बढ़िया कौन बोला था इसमें? बोल रही है ये? नहीं नहीं, इसमें कविता कहाँ है सर? ये कविता ही काम करती है। अब कविता नहीं, नहीं, नहीं है, कहाँ कविता सर? ये कविता नहीं है, ये वो सविता है जो संचार में, अभी जो संचार में घूम रही है। सविता है? हाँ। किस सरिता है? नहीं सर, सर तो बैठी हुई सरिता है ये। तो फिर कविता क्यों बोला आपने सर?
ये 2014 से बेहतर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरएस राघव है। राघव जी, इसके बाद जब 7 बजे के बाद हम ट्यूशन लेते हैं सर, और ट्यूशन आप भी आइए, स्टूडेंट बनिए। नहीं अच्छा नहीं, बिल्कुल जी, आ गया आ गया आ गया। नहीं आज नहीं बोलिए, बिल्कुल ना बोलिए जी। जनाब जी प्रतीक भाई, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इससे पहले ये अल्फाज देश की जनता ने सुने हुए हैं और याद भी करिए, ये मेरे अल्फाज नहीं है, एक महान पुरुष है उनके अल्फाज हैं। मित्रों 50 दिन दीजिए मुझको, 50 दिन, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, अगर मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, तो जिस चौराहे पे आप कहेंगे उस चौराहे पे आने के लिए तैयार हूँ। आतंकवाद के ऊपर चोट हो गई है, पाकिस्तान पर चोट हो गई है, काला धन जमा करने वालों पर चोट हो गई है, और काला धन, काला धन, काला धन बताऊंगा। मित्रों जो उन्होंने कहा था ये सुन लीजिए, अगर हिंदुस्तान की जनता नोट लाइन में लगी नोट बदलने के लिए, तो पाकिस्तान की जनता आटा के लिए लाइन में लगी है। आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में पहली बार, बस मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा था, स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने एक बात कही थी, जो मेरे देश की जनता एक कान से सुनती है और एक कान से निकाल देती है। स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने कहा था, हिंदुस्तान 2.5 युद्ध से ग्रस्त है, एक युद्ध चीन है, एक युद्ध पाकिस्तान है, आधा युद्ध हिंदुस्तान है। जो पाकिस्तान में इस देश में कुछ गद्दार बैठ करके पाकिस्तान में, देखिए प्रतीक भाई थोड़ा सांस लो, पानी पियो। प्रतीक भाई, भक्ति में और अंधभक्ति में सिर्फ यही फर्क है, जो समझ चुपचाप बैठ जाओ, पानी पियो। देश की जनता के साथ जो प्रोमिसेस करे गए थे, जब नोटबंदी करी गई थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भारत में कितना बता नहीं पाएंगे। चंद पूंजीपतियों के लिए नोटबंदी करे, असंगठित क्षेत्र के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार अगर करा है तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, डंके की चोट पर आज भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, और पूरे विश्व के अंदर डंका भारत का बज रहा है। जो विश्व का सबसे बड़ा चौधरी है जो बाइडेन, वो नरेंद्र मोदी जी से गले मिलता है। और मैं बता दूं, ये गए थे नोटबंदी को लेकर उत्तर प्रदेश में, मुंह की खा करके आए थे प्रतीक जी, और मैं कहता हूँ देशभक्ति और पाकिस्तान परस्ती अगर कहीं सीखनी है तो इनसे। चिदंबरम साहब को एक और जवाब देना है, चिदंबरम साहब ने एक चीज और कही थी राज्यसभा में खड़े होके, कि नोटबंदी कर दिया सारा कुछ बर्बाद कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, डिजिटलाइजेशन कर देंगे। एक मिनट सर, सर सर सर, जवाब मैं दे रहा हूं, रुकिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं, देश की जनता जवाब दे देगी कांग्रेस को। ये सब्जी वाले कहां से QR कोड लाएंगे, वो कहां से POS मशीन लाएंगे? अरे सर, यहां खड़े होंगे ना, सबके पास QR कोड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, और सब एक एक रुपया सबको दे सकते हैं। ये है डिमोनेटाइजेशन का जो है असर, और ये जरूरी था, तब जाके आज हम डिजिटल क्रांति की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। क्या नाम है आपका? एक मिनट, एक मिनट, नो 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 नो, बड़ी बड़ी से